जो प्रवासी उत्तराखंडी लोग हैं जो यहाँ से बाहर चले गए थे, हालांकि वो रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए यहाँ से उन्हें जाना पड़ा था, लेकिन अब बहुत सारे लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्ट करने का मकसद ये है कि जिस तरह से उन्हें यहाँ से पलायन करना पड़ा, आने वाली जनरेशन जो है उसे यहाँ से पलायन न करना पड़े, यहाँ पे रोजगार हो। चाहे वो जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे एक रिजॉर्ट, बहुत सुंदर रिजॉर्ट खोला गया है। और इसकी जो लोकेशन है, जब आप दिल्ली से आते हैं कोटद्वार लैंसडाउन जो आप रूट पे चलते हैं, तो ये गुमखाल से ठीक 1 किलोमीटर पे जो रास्ता आपका ऋषिकेश और यमकेश्वर की तरफ जो जाता है उस पे है एस्ट्रा व्यू। और उनके जो मालिक हैं रावत जी, वो मेरे साथ हैं अभी। रावत जी, ये जो आपने यहाँ पे रिजॉर्ट बनाया हुआ है, क्या कंसेप्ट है इसके पीछे? कॉन्सेप्ट ये है साहब कि ये मेरे बेटे के दिमाग में बहुत पहले से थी कि पढ़ने के बाद, हायर एजुकेशन लेने के बाद उत्तराखंड चला जाए। बिल्कुल। मेरे 3 बच्चे हैं, सबसे बड़ी मेरी बिटिया है, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। बोथ हस्बैंड वाइफ आर एसोसिएट प्रोफेसर। ओके। नंबर 2 पे ये बेटा है जिसने रिजॉर्ट खोला है। ही डिड हिज MBBS फ्रॉम मौलाना आजाद दिल्ली, MD फ्रॉम जॉली ग्रांट मेडिकल कॉलेज, एंड देन ही ज्वाइन कैडिला एंड फाइनली ही ज्वाइन GVK बायो रेडी ग्रुप। ही वॉज डायरेक्टर मेडिकल अफेयर्स एंड क्लिनिकल ऑपरेशन। अनफॉर्चुनेटली ही सफरिंग फ्रॉम ए टिपिकल डिजीज विच वॉज डायग्नोज्ड इन द ईयर 2015। ओके। नाउ ही इज ऑन द व्हीलचेयर। या वी हैव सीन हिम। उसके बाद एक छोटी बिटिया और है मेरी, शी इज MBBS MS इन ऑप्थमोलॉजी। हर हस्बैंड ही आल्सो ए डॉक्टर इन मैक्स परपड़गंज। ओके। जब इस बेटे को कोई प्रॉब्लम आई, ये प्रॉब्लम आई जिसका कि कोई ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइज नहीं है, दिस इज नोन एज मल्टीपल एस्क्लेरोसिस, इट्स ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। लेकिन उसके दिमाग में पहले ही से ही थी कि उत्तराखंड के लिए कुछ करना है। व्हेन ही वाज डूइंग MBBS मैं उसको ये बताता रहता था कि यार इसके बाद ना गाँव में जाना चाहिए, इफ नॉट फुल टाइम देन पार्ट टाइम, यू हैव ए राउंड ऑफ विलेज और अपना पिट्ठू भर के दवाइयां लेकर के। ही वाज टॉकिंग अबाउट द मोबाइल क्लिनिक कॉन्सेप्ट आल्सो। आई जस्ट टॉक टू हिम। और व्हेन ही वाज इन GVK बायो, इट इज ही हु प्रपोज दिस 108 नंबर। आपको दिखाना चाहूंगा कि वो पीछे जो आप चोटी पे देख रहे हैं, वो भैरवगढ़ी का जो मंदिर है, लंगूरगढ़ी की भैरव, वो चोटी में जहाँ कोहरा से लगा हुआ है वहां पे है। और ये यहाँ पे पूरा जो रिजॉर्ट है बना हुआ है, यहाँ पे रूम्स बने हुए हैं, सोलर पावर पैनल्स लगे हुए हैं जिससे पानी को गर्म करना और तमाम चीजें व्यवस्था, लाइट वगैरह यहाँ पे लगाई गई है। इस तरह से आप पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पे टेंटेड एकोमोडेशन जो कि यूथ में काफी लोकप्रिय है वो बनाया गया है, रूम्स है। और रावत जी के साथ चलेंगे आगे, एक बहुत खूबसूरत रेस्टोरेंट भी है यहाँ पे। थोड़ा सा आप बताइए क्या क्या यहाँ पे है। यहाँ पे ऐसा है कि 20 रूम्स हैं जी, 20 कमरे हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग 2 लग्जरी टेंट्स जी। एक डाइनिंग हॉल है, ये आप देख सकते हैं, ये डाइनिंग हॉल है, रेस्टोरेंट है, ग्लास हाउस कहते हैं, ग्लास हाउस, क्योंकि एंटायरली इट इज मेड अप ऑफ ग्लास जी। इसकी जो छत है जी, ये अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड है, यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में खनन पे रोक है। बिल्कुल। अब आप मुझे ये बताइए कि एक आदमी जो गांव का है वो अपना मकान बनाना चाहता है, तो क्या वो हरिद्वार से पत्थर लाएगा?
क्या नदी के किनारे से पत्थर लाएगा? जी तो ये जो स्लेट्स हैं ये हिमाचल से मंगाई गई, यहाँ से नहीं कर पाए। देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो पुराने मकान होते थे उत्तराखंड में वो पठाल जिसे हम बोलते हैं स्लेट्स, काले स्लेट जो इस तरह की स्लेट है ऐसी होती थी, लेकिन हमारी जल जंगल जमीन पर भी हमारा हक नहीं रहा। ऐसी पॉलिसी सरकार ने बना दी कि ये जो स्लेट्स हैं, ये जो पठाल हैं, ये हिमाचल प्रदेश से यहाँ लानी पड़ी। तो आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म में हमसे इतना आगे क्यों है। वो लोग इस बात को समझते हैं कि कैसे लोकल जो चीजें हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए। सर हिमाचल का आदमी वो गवर्नमेंट जॉब के लिए कभी भी लालायित नहीं होता, क्योंकि उन्होंने टूरिज्म इतना डेवलप कर दिया है कि आप चले जाइए कुल्लू मनाली चले जाइए, शिमला चले जाइए, कहीं चले जाइए, चार आदमी का ग्रुप होगा वहीं के लोकल, वो पैराग्लाइडिंग करवा रहे हैं, कोई कुछ और करवा रहे हैं, बिल्कुल हॉर्टिकल्चर का काम कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट कुल्लू मनाली, तो वहाँ एक क्लब था, तो आई बीइंग ए ह्यूमन बीइंग यार मैंने कहा मैं बैठ सकता हूँ? अरे साहब आप ही के लिए तो बना है। मैंने कहा भाई मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिना मेंबरशिप के अलाउड नहीं होता है, हर जगह दिल्ली चले जाओ कहीं भी चले जाओ। अरे क्या नहीं साहब ये तो आपके लिए बना रखा है, अब बैठिए। एंड देन ही इंटरटेन मी, मैं बाहर में बैठ गया, उसने खूब इंटरटेन किया और खूब बातें बताई। तो मेरा मतलब टूरिज्म में इतना डेवलपमेंट है, हर आदमी ठीक है, अगर एक आदमी आईएएस बनना चाहता है, आईपीएस बनना चाहता है, वो भी है, लेकिन वो अपनी रोजी रोटी बड़े सही तरीके से विद इन हिमाचल ही प्रोड्यूस कर रहा है, घर में पलायन क्यों करेगा? पलायन क्यों करेगा? ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लॉन भी बनाया हुआ है उर्मिल ग्रीन्स करके, आप देख सकते हैं। उर्मिल ग्रीन और सीता स्लोप जो है ये हमारे बुजुर्गों के नाम से है। अच्छा, सीता शिव माय मदर, ओके, उनकी याद में हमने इसका नाम सीता स्लोप रखा। अच्छा, उर्मिल ग्रीन ये मेरी समधन थी। अच्छा, ये एक प्लस टू स्कूल चलाती थी, अनफॉर्चुनेटली नाउ शी इज नो मोर, तो उनकी याद में ये कर दिया। इसके साथ आप देख रहे हैं वो सामने कॉम्प्लेक्स है, दैट इज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ओके, वहाँ पे चेस, टेबल टेनिस। थोड़ा सा हम ये जो ग्लास हाउस है इसको हल्का सा अंदर से दिखा दें, क्योंकि बाहर से आपने देख लिया है, अंदर से थोड़ा सा दिखा दें। इस तरह के है ये, स्लेट्स है ऊपर और ग्लास हाउस है पूरा, बहुत खूबसूरत ये यहाँ पे डिनर हॉल के हैं, रेस्टोरेंट के हैं, बहुत शानदार है बना हुआ है। और रावत जी का ये कहना है कि यहाँ पे गढ़वाली फूड जो लोकल फूड है वो भी डिमांड पे यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। यहाँ की जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं इनके साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है, एंड अगर आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पे जो स्थानीय लोग यहाँ पे उत्पाद बना रहे हैं उसके लिए भी मार्केट अवेलेबल करवा रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट आके ये चीजें ले सकता है, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी यहाँ पे होगा। थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं हम ताकि एम्प्लॉयज की सैलरी जो यहाँ पर रहे उसका तो कुछ तो निकले, सैलरी निकले, अदरवाइज रेट टू रेट इसको दे देते हैं। रव जी थोड़ा वो वाला भी देख लेंगे, स्पोर्ट्स आपने जो बनाया हुआ है बहुत शानदार लोकेशन है, काफी हाइट है यहाँ पे, तो आप चारों तरफ की जो पहाड़ियाँ हैं वो खुल के यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ से लैंसडाउन नजदीक है, और जो भैरवगढ़ी का मंदिर है वो बहुत नजदीक है, और यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपको जो हिल स्टेशन का जो प्रॉपर मजा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पार्किंग को लेके जैसे आप शिमला जाते हैं या मसूरी कहीं चले जाते हैं तो पहले जद्दोजहद आपकी ये होती है कि मैं अपनी गाड़ी को पार्क कहाँ करूँ, जाम में आप फंस जाते हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आप आराम से आके रिलैक्स होके हफ्ता 10 दिन जितने भी दिन रहना चाहें आप यहाँ पे रह सकते हैं। ये रावत जी का जो क्या सर क्या नाम बताया स्पोर्ट्स के लिए आपने बनाया टेबल,
एक्टिविटी अगर जब बारिश हो जाती है कई बार तो टूरिस्ट बोर होता है, तो यहाँ पे बोर होने की कोई संभावना नहीं है। बिलियर्ड की टेबल लगी है ये देख सकते हैं, और टीटी के लिए भी यहाँ पे टेबल लगी है, और भी कैरम और छोटे इस तरह के आप चेस इस तरह के आप स्पोर्ट्स एंजॉय कर सकते हैं। लाइब्रेरी भी बना रखी है। अच्छा, इसमें सारी बुक्स हैं और जिनको स्पेशली उत्तराखंड और स्पिरिचुअलिज्म पे। अच्छा, मतलब जो लोग स्पोर्ट्स के बजाय रीडिंग जिनकी हैबिट होती है पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। ये राव जी की लाइब्रेरी भी यहाँ पे बनाई गई। ये आपका गोल्फ चेस लूडो खेल सकते हैं, आप गोल्फ भी खेल सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये राहुल जी बताएंगे गोल्फ इंडोर गोल्फ कैसे खेल सकते हैं। ये देखिए आप इसको राव जी, ये देखिए वो इसको डालने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सपर्ट नहीं है लेकिन प्रैक्टिस की जा सकती है यहाँ पे। जो गेस्ट होते हैं टूरिस्ट होते हैं चांस ये होते हैं हमारे हमारी एफर्ट्स ये होते हैं कि वो बोर ना हो, और यहाँ पर आमतौर पर वही लोग आते हैं जो शांत प्रिय हैं, जो नेचर को समझना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है कि वन शुड बी रिलीजियस, नथिंग लाइक दैट, बट हाउ टू एक्सेप्ट द रिलीजन, ये सबसे बड़ी बात है कि रिलीजन का क्या मतलब है। रिलीजन का मतलब हम मंदिर, मैं भी मंदिर जाता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, दूसरा कुछ कोई भी हो सकता है, वो अपने अपने स्थान पे जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, बट द थिंग इज दिस कि ये जो सब कुछ है ये कहाँ से आया। जब इस सृष्टि की रचना हुई कुछ नहीं था, डार्क, न समय था, न मृत्यु थी, न अमरता थी, न कुछ था, न कुछ था। नेचर में हीलियम और हाइड्रोजन जो कि नेचर में एक्सेप्ट है उनका एक्सप्लोजन हुआ और इस सृष्टि की रचना। आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं तो केमिस्ट्री में एक्सप्लेन कर दिया कि केमिकल रिएक्शन से लाइफ पैदा हुई, और वाकई वो सच्चाई भी है, पूरी लाइफ ही एक केमिकल रिएक्शन है। मैं भी समझ लेता हूँ क्योंकि मेरे फादर खुद केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे, वो भी कहते थे कि कई तरह के लेयर्स होती हैं, ओजोन लेयर होती है, और डेथ के बाद जो है वो हमारी आत्मा किसी दूसरी लेयर में चली जाती है, फिर वो जब जरूरी होता है तो नीचे आ जाती है केमिकल रिएक्शन से। तो ये लॉन है, ये आप देख सकते हैं बहुत शाम को आप यहाँ पे बैठ सकते हैं। यहाँ ये क्रिकेट के लिए फिलहाल जब तक ये स्ट्रक्चर नहीं बनता तो यहाँ पर पार्किंग और ये क्रिकेट खेलते हैं, इसलिए नेट लगा रखा है क्योंकि हिल एरियाज में बॉल को आप ध्यान हो। ये बच्चों के लिए है यहाँ पे, छोटा झूला और ये स्लोप, छोटे बच्चे आते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत शानदार ये रिजॉर्ट है, और जागो उत्तराखंड में मैं आपको नई नई जगह ले जाता रहता हूँ, और कोशिश ये रहती है कि पहाड़ में जो नई नई चीजें हो रही हैं, हालांकि नेगेटिव बातें बहुत होती हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव काम है वो इनसे सीखा जा सकता है। रावत जी से पूरी फैमिली डिवोटेड है, और बेटा जो कि खुद डॉक्टर है, दुर्भाग्य से थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम उन्हें है, लेकिन इस तरह से मेरा ये निवेदन है कि जो लोग भी सक्षम है उत्तराखंड के जहां भी हैं, वो अगर मातृभूमि की तरफ लौट आए तो एक ना एक दिन हम इसे स्वर्ग से सुंदर जरूर बना आना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में जब आदमी रिटायर होता है जॉब से, मान लीजिए पहाड़ी आदमी वहां रह रहा है, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होती है कि यार यहाँ इस कॉलोनी में रहने के बजाय तो आप और हम तो वहाँ के राजा महाराजा के बराबर हैं। बिल्कुल, ये सारे वर्ल्ड में, सारे हिंदुस्तान में कहीं नहीं ये फैसिलिटी जो उत्तराखंड में या हिमाचल में या पहाड़ी इलाकों में। अच्छा, ये दिल्ली से आए आप भी आए हैं दिल्ली से यहाँ पे?
थोड़ा सा आपका भी कमेंट लेंगे कैसे लग रहा है आपको यहाँ पे? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, ये तो एक धार्मिक स्थान है और गुरुओं की धरती है, देवताओं की धरती है, बड़ा अच्छा लगता है। आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली में किस तरह का एनवायरमेंट वहाँ पे है, कितना आप कहेंगे कि आदमी दौड़ भाग में ही रहता है, उससे अलग किस्म की जिंदगी यहाँ पे है? यहाँ बड़ा पीस बहुत है जी, और बड़ा मगन रहता है अपना आदमी अपने आप में, बड़ा सही समय निकलता हमारा। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। कमरा भी आपको एकोमोडेशन दिखा देते हैं, ये रूम आप देख सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग है इसमें और बेड्स हैं, अलमीरा है और टॉयलेट भी है, अगर लाइट ऑन हो जाए तो प्रॉपरली दिखाई देगा। बहुत शानदार रूम, प्रॉपरली इसमें वेंटिलेशन है, इधर भी बालकनी है, दूसरी तरफ पहाड़ी के दोनों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ से नीचे। और इस रिजॉर्ट को देखिए, कई और लोग भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, देख सकते हैं कि कई रिजॉर्ट इस इलाके में और भी बन रहे हैं। तो ये जो गुमखाल का जो इलाका है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर धीरे धीरे करके जो लेजरली टूरिज्म पसंद करते हैं उनके लिए होने वाला है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बादल और पूरा दूर दूर तक पहाड़ियाँ यहाँ से दिखाई दे रही हैं, और बरसात के बाद जो बादल का जो पहाड़ों को चूमते हैं नीचे आके, अभी थोड़ा ऊपर है, थोड़ा बारिश होगी तो ये और नीचे आते हैं, तो बड़ा खूबसूरत ये दृश्य होता है। तो मैं रावत जी का धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद इस बात का, ये है कि धन्यवाद ये है कि हम सबको जी पलायन के बजाय प्लेन से यहाँ पलायन होना चाहिए, बिल्कुल पहाड़ों की तरफ, रिवर्स माइग्रेशन। रिवर्स, मैंने 35 साल नौकरी करी, ये मेरी बिजनेस है, गुरु ने भी 30-35 साल नौकरी करी। आप वाइफ है राव जी की? नमस्कार, आप दिल्ली से यहाँ पे आके पूरा जो है एंजॉय? मैं जा ही नहीं रही हूँ, मुझे भी कर रहा हूँ। बिल्कुल आप जन्नत में हैं, वहाँ पे दिल्ली में तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम, गर्मी, हर चीज है। तो मेरी दिल्ली रहने लायक नहीं है। जो आप धन्यवाद कर रहे थे ना, धन्यवाद के बजाय पूरे उत्तराखंडियों को जो प्लेन्स में बसे रहे हैं और रिटायर हो रहे हैं, उनको हिल एरियाज की तरफ, अपने गांव की तरफ आना चाहिए। जी जी। लोग कहते हैं सर नौकरी नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1001 काम है। आप मार्केट में चले जाइए, कोई यहाँ की जो प्रोड्यूस दालें हैं उसको बेच रहा है, दूसरा आदमी सब्जी बेच रहा है, लेकिन उनसे भी मैं ये कहता हूँ कि यार सब्जी यहाँ उगा करके फिर बेचो, ये नहीं कि नजीबाबाद से सब्जी लाओ। तो यहाँ रिसोर्सेज हैं, जी। कर सकते हो आप, फल उगाओ। इस एरिया में साइट्रिक जूसेस के जितने भी फल हैं, मौसमी, माल्टा, संतरा, वो खूब जम के होते हैं। आप ये कीर्ति खाल चले जाइए, ऐसा इतने बड़े बड़े मौसमी लगे हुए, तो कौन कहता है कि रिसोर्सेज नहीं है? रिसोर्सेज हैं, देखने की जरूरत है। एक जमाना था जब हम चले गए तब हमारी मजबूरी थी कि वहाँ पे जॉब ढूंढने चले गए, लेकिन अपने दादा, बाप दादा, ग्रैंडफादर, इनसे प्रेरणा लीजिए कि हमने तो इतनी तकलीफें देखी, उन्होंने कितनी तकलीफें देखी होंगी, उन्होंने तो ये खेत भी बनाए, वो तो ऐसे आए थे। वी ऑल रावत, We are from राजस्थान। उत्तराखंड ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर आदमी का अपना मकान है, बिल्कुल पक्का मकान है, पक्का मकान है, गौशाला है या नहीं बताइए? बिल्कुल। कोई माँ बहन ऐसी नहीं है कि जिसके कान में या गले में कोई सोने की चीज ना हो, बिल्कुल। आप बता दीजिए कोई है माँ बहन ऐसी? बिल्कुल सब में सब। तो रावत जी के साथ यहाँ पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, फिर दोबारा मैं आऊंगा यहाँ पे और फिर से कुछ और चीजों पे, मुद्दों पे बात करेंगे। डॉक्टर साहब हैं जो कि ऊपर जो आपके फादर हैं रावत जी, उनसे मिला था मैं और काफी विस्तार से उन्होंने पूरे कंसेप्ट के बारे में बताया
किस तरह से इस इलाके में जो माइग्रेशन पहाड़ से हो रहा है उसको रोकने के लिए वो प्रयासरत है। साथ ही कंसर्न मेडिकल फैसिलिटीज पे भी है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो थोड़ा सा जो उनके बेटे हैं यश रावत जी, उनसे बातचीत करेंगे। रावत जी, क्या करना चाह रहे हैं, कैसा, क्योंकि थोड़ा मेडिकल प्रॉब्लम भी आपको हो गई है, उसके बावजूद इतना हिम्मत से, जीवट से आप काम कर रहे हैं, इससे बहुत खुशी होती है, बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। हमारे यूथ को किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि और बेहतर काम किया जाए पहाड़ों में? सर, इसमें आई थिंक ज़्यादा ज़रूरी यह है कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट करें यहाँ। अगर एक बार ये पानी की उपलब्धि होगी तो तब खेती के बारे में सोचा जा सकता है। ये ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो कॉन्सेप्ट सुभाष पालेकर जी का भी है, वो चीज़ हमारे हर देहात में वैसे ही होता है। वो चीज़ को अगर हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें तो ये एक आजीविका का बहुत बढ़िया आजीविका का साधन बनेगा, जिससे कि यहाँ के लोग पाँचवीं तक अगर हमारी मॉन्टेसरी फॉर्म ऑफ टीचिंग या प्राइमरी टीचिंग यहाँ पे सुदृढ़ हो जाती है, उसके बाद देहरादून इत्यादि जितनी जगह हैं जहाँ पे कि बोर्डिंग स्कूल हैं वहाँ पे बच्चों को भेजा जा सकता है। सारे हिंदुस्तान से देहरादून आते हैं, तो हमारा तो यहाँ से 100 किलोमीटर है, और उसको सपोर्ट करने के लिए, उनकी फीस स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए अगर हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाती है बाय द वर्च्यू ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो समस्याएं सिर्फ दो आती हैं यहाँ पे, पानी की उपलब्धि, दूसरा चकबंदी। वो नहीं है तो कॉपरेटिव फार्मिंग करते हैं। वही चीज़ जो डॉक्टर कुरियन ने करम सदमे करी थी अमूल डेयरी के लिए, वो हम यहाँ क्यों नहीं कर सकते? डैट इज़ अ मॉडल जिसको हम रेप्लीकेट कर सकते हैं। तो आई थिंक बुलेट वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बुलेट टू इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, बुलेट थ्री इज जो यहाँ के प्राइमरी टीचिंग है इतना स्ट्रांग कर दिया जाए कि हमारे बच्चे कक्षा छठी ऑनवर्ड्स जब भी किसी बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे दे आर केपेबल एंड कॉम्पिटेंट इनफ टू गेन एन एडमिशन, और उस एडमिशन को सपोर्ट करने के लिए जो फीस है वो उनके माता पिता अपनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम से जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से आ सकती है उसमें दिया जाए। जागो उत्तराखंड के लिए गुमखाल पौड़ी गढ़वाल से आशुतोष नेगी की रिपोर्ट।